को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक जंगल में अवैध असलाह बनाने का कार्य चल रहा है, जहां पर पहुंचकर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध असलाह व दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जनपद फिरोजाबाद के थाना मटसेना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिकेहरा के निकट यमुना नदी के किनारे जंगलों के मध्य कुछ व्यक्ति अवैध तमंचों का निर्माण कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें राहुल ओझा पुत्र शिशुपाल निवासी कोटला रोड संतोष कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद और राजकुमार पुत्र शिशुपाल निवासी उपरोक्त हैं। दोनों अभियुक्तों के पास से 8 तमंचा, 315 बोर, 5 तमंचे अद्य निर्मित, 3 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, 25 नाल, 315 बोर व 2 नाल, 12 बोर और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। SSP फिरोजाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक मुकेश कुमार, उप निरीक्षक विजन सिंह, कांस्टेबल रजत उपाध्याय, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे। आदित्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। ये पूरा मामला थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी मटसेना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं। दो सगे भाइयों राम कुमार ओझा और राहुल ओझा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके कब्जे से 8 बने हुए, 5 अधबने यानी एक दर्जन से ज़्यादा अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने का साजो सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सरगना है राहुल ओझा, वो पहले भी थाना उत्तर क्षेत्र से 2 बार असलहा फैक्ट्री के मसले में जेल जा चुका है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से तमाम लोग अवैध असलहों की मांग कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। लेकिन हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को और इन असलहा बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें पूरे सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। हमारी टीम को मैंने 15,000 रुपये का नकद इनाम दिया है।